भाई, जब जब लगता है कि दुनिया अब सुरक्षित है और जब जब लगता है कि हम पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है, उसी टाइम ढिंचक पूजा अपना नया गाना निकाल देती है। तो मैं ऐसे ही बैठा यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज को स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि वहां पे नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस कर रहे थे और उससे भी ऊपर ट्रेंड कर रही थी सबसे तेज ट्रेंडिंग पेज पे आने वाली अपनी ढिंचक पूजा। तो मैडम ने अपने गाने के लिए डिस्क्लेमर भी दिया है। डिस्क्लेमर तो ज़रूरी है, ढिंचक पूजा का गाना हो और डिस्क्लेमर ना हो, भाई डिस्क्लेमर तो ज़रूरी है। नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। इस मेकिंग में तो चाहे कोई एनिमल हार्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो एनिमल ये गाना सुन लेगा वो पक्का हार्म हो जाएगा। मेरे बाबू ने खाना खाया मेरे बाबू ने खाना खाया लेकिन बाबू ने जैसे ही खांसा निकल लौड़े और भाई भी एकदम बीट पे छीका है। ना करो ना काम ये करो ना दुआ ये करना किसी को ये होना करो ना करो ना काम। ओ भाई, ये कैसे काम कर रहा है? करो ना काम ये करो ना दुआ ये करना किसी को ये होना। पीछे खड़ी ये बच्ची भी सोच रही है कि अच्छी खासी स्कूल से छुट्टी मिली थी कोरोना वायरस को लेके, एक 10 रुपए के लिए साला क्या क्या करना पड़ रहा है। किसी को ये होना करो इत्थे रख और सबटाइटल देखो भाई, मात्रा किसके साथ लगनी है इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो भाई यही करना चाहिए। करो ना काम ये करो ना। इस बेचारी बच्ची को देखो भाई, जब से वीडियो शुरू हुआ है ये लड़की हिली तक नहीं है। और भाई जितने कंफ्यूज ये लोग अपने स्टेप्स को लेकर है ना, उतना ही कंफ्यूज राहुल गांधी अपनी लाइफ में है। जल्दी से सोना, इतने आसान स्टेप्स और उसमें भी हग रहे हैं ये लोग। अरे यार, ये देखने के लिए तो आंखों में सैनिटाइजर डालना पड़ेगा। भाई जिगरा चाहिए ऐसा गाना गाने के लिए। गले तुम मिलो ना, संपर्क में रहो ना, हाथ मिलाओ ना पास तुम। मतलब अगर एक इंसान अपना पूरा जोर लगा के पाद भी देगा ना, तो भी इससे सुरीला गाना निकलेगा। भाई इसका वीडियो देख के मैंने डिसाइड किया है कि 14 दिन के लिए मैं सेल्फ क्वारंटाइन में जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसके गाने खुद एक महामारी है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मोदी जी ने बात की थी। इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए 2 प्रमुख बातों की आवश्यकता है। पहला, और दूसरा, करो ना काम ये करो ना दुआ ये करना किसी को ये होना। देखो भाई, अगर आप ये गाना सुनने के बाद भी अपने 2 पैरों पे खड़े हुए हो ना, तो कोरोना आपका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भाइयों, अगर आप ढिंचक पूजा के बहुत बड़े फैन हो ना, तो इस वीडियो को लाइक बिल्कुल मत करना। और अगर आप चाहते हो कि कोरोना के ऊपर ढिंचक पूजा पूरी की पूरी एल्बम निकाल दे, तो भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना।